इसीलिए, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैं बोलता हूँ यार, पबजी एक ऐसा गेम है भैया, कहीं पे भी कभी भी कुछ भी हो जाता है इस गेम में। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम, और स्वागत है आपका एक विराट न्यू गलत सीन से भरे पड़े पबजी दो मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। और काफी दिनों बाद, काफी टाइम बाद मैं जोर जा रहा हूं, और यहां पे हमेशा की तरह गिने चुने बंदे आते हैं। लेकिन कोई नहीं यार, देखो आते ही गनगुन मिल गई है, तो ये जो गिने चुने बंदे आए हैं इनको भी पेलना शुरू करते हैं और जल्दी निकलते हैं यहां से। I got supplies. और यहाँ पे क्योंकि यार जोर्ज में लूट बहुत ही कम हो गई है, तो ज्यादातर बंदे निहत्ते ही टिलते हैं। लेकिन अपनी किस्मत अभी तगड़ी थी यार, उतरते ही M4 मिल जाती है और बंदे भी मिल जाते हैं उतरते ही आगे। अब भले ही मुझे गन मिल चुकी है, लेकिन यार गोलियों की कमी है। लेकिन ढीठ था इतनी भाई, बर्बाद करे जा रहा हूं गोलियां। उस बंदे को सिर्फ डैमेज दिया मैंने बॉट की तरह, लेकिन पेल नहीं पाया। अब देखो, जब कंटेनर के अंदर बंदे होते ना, तब मुझे दो ही टाइप के बंदों से डर लगता है। पहले वो बंदे जो शॉट गन लेके बैठे होते हैं, उनसे भैया दूर ही रहो, घुसो मत, आसपास भी मत जाओ उस टाइम कंटेनर के। और दूसरे क्रोसबो वाले, क्योंकि अगर ये गलती से क्रोसबो पेल देता ना कहीं पे, तो यार मेरे ख्याल से मैं वहीं पे ठिल सकता था। और ये कोई नए तरीके का सांप था, मतलब फट्टे जो होते वहां पे भाई लेटे बड़े थे, हम लोग आते भाई धड़ पे उठ के गोलियां पेलते हैं। लेकिन जैसे तैसे इस भाई को पेल दिया यार, इस बंदे ने इतनी सारी गोलियां बर्बाद कराई मेरी कि क्या ही बताऊं। खैर जो भी हो, मुझे आगे एक बंदा दिखता है भगते हुए, तो मैं सकोप खोल के मैं भी यहीं पर लेट जाता हूँ, लेकिन वो बंदा सामने नहीं आता। खैर मैं बोलता हूँ ठीक है यार, वो सामने नहीं आया, हम भाई के सामने जाएंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं एक बहुत ही बढ़िया पबजी टूर्नामेंट ऐप की। तो इस ऐप का नाम है वॉर ग्राउंड, और इसकी सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगती है कि यार पबजी के साथ साथ इसमें पबजी लाइट के टूर्नामेंट भी होते हैं, और उसके ऊपर से हर हफ्ते यहाँ पे आपको एक रॉयल पास का गिव अवे भी देखने को मिलेगा। तो आप पे हर हफ्ते मौका है एक रॉयल पास जीतने का भी। और यहाँ पे ऐसे मैचेस भी होते हैं जिसमें एंटर करने के लिए आपको कुछ नहीं देना, लेकिन जीतने पे आपको कैश प्राइस मिलेंगे। और आपने कैसा खेला और मैच में क्या क्या हुआ वो आप देख भी सकते हो, क्योंकि इसमें सारे मैचेस की लाइव स्ट्रीम भी होती है। और यहाँ पे आपको रेफर एंड अर्न का भी फीचर मिल जाता है, तो यार अपने आप दोस्तों को इनवाइट करके भी इसमें पैसे अर्न कर सकते हो। और यहाँ से जीते हुए पैसे रिडीम करना और पैसे ऐड करना भी बहुत आसान है, मतलब पेटीएम और गूगल पे आपको यहीं पे मिल जाता है, तो आप आराम से पैसे विड्रॉ भी कर सकते हो। तो इस ऐप को यार जरूर ट्राई करके देखना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। तो मैं पहलने के लिए जा रहा होता हूँ उसे। अब उस बंदे को इतना डैमेज दिया है कि यार गोली की आवाज सुन के वो ठिल जाएगा। और इसे कहते हैं यार जबरदस्ती पीक के बटन पेलना, है ना? मैंने सोचा यार लेटा पड़ा है बंदा, इसका टीममेट भी कोई लग नहीं रहा, इसको फालतू में जबरदस्ती पीक पक करके पेलते हैं। खैर यहां पे जॉर्ज खाली हो चुका है, और जो भी मुझे किल मिले यही किल मिलते हैं आजकल जॉर्ज में। मैं इस सीजन कम से कम 100 बार आ चुका हूं जोर्ज, 100 के 100 बार ढंग से बंदे नहीं मिले मुझे। खैर जो भी हो, जोर्ज के बाद मैं रोजॉक की पहाड़ी जाता हूं, और पहाड़ी जाके पता चलता है कि सामने ही दूसरी पहाड़ी पे दूसरी तरफ पे बंदे बैठे पड़े हैं और गोलियां चल रही है वहां पे, तो हम भी पहुंच जाते हैं। और यहां पे आते ही मैं बेशर्मों की तरह किल चोरी कर देता हूं किसी की।
और मेरे ख्याल से उस घर के ऊपर जो बंदा बैठा है ना, ये उसी भाई की किल थी यार, नोक करके छोड़ रखा था नीचे। तो करना क्या यार, किल भी चोरी कर दी, अब जिसने किल किया था, जिसने नोक किया था, उसकी पेटी बनाने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे भाई छत पे बैठे पड़े हैं और यार मुझे नहीं लगता ये नीचे आने वाले हैं, तो ऊपर घुस के ही पेलना पड़ेगा, बस एक से ज्यादा बंदे ना हो यहाँ पे। और ये भाई पूरे गुस्से में थे, मतलब मैं आ ही रहा था यार कवर फायर देने के लिए पीछे से, लेकिन उतने में ही बंदा नोक कर जाता है और भाई पे टोमी गन पड़ी होती है। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जहर है यार, टोमी गन क्लोज रेंज में बहुत जहर है मेरे ख्याल से। खैर जो भी हो, जो भी सस्ती लूट यहाँ भाई पे होती है वो मैं दैट पैर लूटता हूँ, और तैयार हो जाओ क्योंकि यहीं पे गलत सीन होने वाले हैं। इसीलिए, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैं बोलता हूं यार, पबजी एक ऐसा गेम है भैया, कहीं पे भी कभी भी कुछ भी हो जाता है इस गेम में, कुछ भी भाई, अपने ही सीन चलते हैं इस गेम के। वो बंदा, आप कौन सोचेगा कि हमारे पीछे एक बंदा लेटा पड़ा है, ठीक है यहाँ पे भैया गेम शुरू हुए 10 मिनट नहीं हुआ है ढंग से, भाई अभी से लेटे पड़े हैं, न जाने कब से वो भाई वहां पे आके लेटा है। खैर जो भी हो, धेड़ पेड़ उस बंदे की पेटी बनाता हूँ और आगे भगता हूँ पूरी रफ्तार में, क्योंकि देखो आगे भी जोर से गोलियां चल रही थी, तो बंदे ठिल जाएंगे यार, पहुंचना पड़ेगा आगे। अब देखो ये बेचारा बंदा छत पे बैठा था, इससे सिर्फ एक बात पता चलती है यार, उसको ऐसा लग रहा था कि नीचे कोई है, और देखो यार नीचे होता कौन है असल में। सेकंड नीचे आया दो बार। हाँ, नीचे एक बोट होता है, ठीक है, मतलब उस भाई को लगता है यार, देखो यहाँ पे वैसे भी गोलियां चली रही थी तो फाइट फूट दबा की हुई थी यहाँ पे, तो उस बंदे को लगता है क्या पता एक और सकौड़ का कोई बंदा नीचे आ रखा है, तो वो भाई बचने के लिए छत पे भागते हैं। अब देखो मैं था ढीठ, मैं पीछे से स्कोप खोल के खड़ा था, मैं देखता हूँ ऊपर बंदा भाई की ऊपर ही पेटी बन जाती है, और यहाँ आके पता चलता है यार नीचे सिर्फ एक बोट पड़ा होता है। बहुत बुरा हुआ यार, जब इस बंदे को ये बात पता चलेगी कि नीचे एक बोट था, कितना दुख होगा भाई को। खैर उसके बाद यहाँ पे आते, क्योंकि यहाँ पे एक ड्रॉप गिरा होता है और हमारे साथ और भी बंदे आए होते हैं इधर। ट्रिपल में भी, ट्रिपल से एक सामने से देख रहा है, देख वही। अब यहाँ पे जो आगे ट्रक टाइप का कुछ होता है यार, ट्रक है, ट्रैक्टर है, इसके पीछे एक बंदा बैठा होता है, लेकिन उसका टीममेट पीछे वाले घर पे होता है, तो अगर मैं भग के इस पे रस करूंगा पीछे वाला बंदा पेल देगा, तो मैं सस्ते नेट करने की कोशिश करता हूँ और इस बार कुछ अलग होगा। अब देखो मुझे, जहां तक मुझे पता था यार, मेरा नेट फटने नहीं वाला था और मैंने बेवकूफों की तरह हद से ज्यादा कूक कर रखा था उसे, तो मैं फेंकता हूं नेट, हवा में फटता है, मैं मुझे लगता है यार कद्दू कुछ नहीं उखड़ेगा, लेकिन हवा में फटने के बाद भी बंदा नॉक हो जाता है, प्योर तुक्का था ये। और यार बोट भी तभी पहुंचेंगे जब अपने साथ गलत सीन चल रहे हों। देखो पीछे उस घर के साइड में एक बंदा बैठा होता है, मैं उसे पेलने के लिए सकोप खोलता हूँ, मुझे डैमेज होता है, मतलब यार स्क्रीन पे वो पीला पीला लाइन टाइप आता है, मैं बोलता हूँ यार इसने पेल दिए मेरे भगो पीछे की तरफ, बाद में पता चलता है पीछे से एक बोट पेल रहा है मुझे। तो करना क्या है, जहां तक मुझे अब लग रहा है जिस हिसाब से ये लोग खेल रहे हैं, सिर्फ एक ही बंदा है यहाँ पे, तो हम लोग धैड़ पैड़ गाड़ी उठाते हैं, साइड में रुकेंगे और इस भाई को पकड़ने की कोशिश करेंगे। और ये भी एक जबरदस्ती की पीक थी, मतलब कोई जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे पीक भूक दबाने की, लेकिन देखो यार पांच उंगलियों से खेलने लगा हुआ है ना, पांच उंगली डाल दी है स्क्रीन में खेलने के लिए, तो क्यों ना पीक पाक कर ही लिया जाए, अच्छा लगता है यार, मतलब भले ही उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लेकिन मजा टैप आता है। और कभी कभी यार मानो या ना मानो, फालतू पीक करने से ना गोलियां लगती नहीं आपको, बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन जब होता है ना भाई मजा टैप आ जाता है। खैर जो भी हो, वहां से मैं ब्रिज पार करके जाने वाला होता हूँ कि बंदे दिखते हैं आगे। कार भी है।
आ रही है यार, टेंसर मतलब दबा के शर्म आ रही है मेरे को। इतना सस्ता स्प्रे कि यार दोनों बंदों को डैमेज दिया लेकिन नोक तक नहीं हुआ एक बंदा, और गोलियां हद से ज्यादा बर्बाद। पीछे भाग गया। और जब दूसरी बार भी बंदा बच के निकल लेता है ना भाई, मैं शर्म से चूर हो जाता हूँ बिल्कुल। मैं बोलता हूँ स्प्रे अपने से दूर से तो कद्दू भी नहीं हो रहा, इनके मुंह पे गाड़ी डालो। अगर हमने पेल दिया तो भी ठीक है, अगर वो लोग भी पेल गए तो भी ठीक है यार। मतलब इतना सस्ता स्प्रे दे के अगर मैं ठिल जाऊं तो बनता है मेरा ठिलना। और यार आखिरकार जाके मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ, लेकिन पेटी बनाने नहीं रुकेंगे क्योंकि अभी बहुत सारा मारी होती है यार, बंदे को पेलना होता है पकड़ के। तो देखो वो बंदा इस घर के साइड ही भगा था, तो यहीं पे भाई बैठे पड़े हैं, छत के ऊपर हैं, छत नहीं ये कमरे के अंदर हैं। और हमारे भाई बिल्कुल सीढ़ियों में तैयार बैठे थे कि ये लोग सीढ़ी में आएंगे, मैं इनकी यहीं पे पेटी बनाऊंगा, मेरी गोली रुकेगी नहीं बिल्कुल भी। लेकिन मैं क्या करता हूँ, सीढ़ियों के बगल से ही भाई को पेल देता हूँ, बंदे को पता भी नहीं चलता। खैर जो भी हो, अभी किल की बहुत जोर से भूख लगी होती है यार, बहुत किल चाहिए अभी, कद्दू कुछ नहीं होगा इतनी किल से। तो गाड़ी घुमाते हम और आगे ये जो सस्ते घर हैं यहाँ पे बंदे बैठे पड़े होते हैं, बंदे क्या पूरी सकौड़ बैठी पड़ी होती है। एक नीचे है, एक अब यहाँ पे हमारे भाई दिमाग लगा रहे होते हैं, एक बंदा नीचे है, एक बंदा खिड़की पे है, एक बंदा साइड में गत्ते फूंक रहा है। उतने में ही जब तक हमारे भाई दिमाग लगा रहे होते हैं तब तक यार वो लोग फायरिंग भी चालू कर देते हैं। तो देखो ज्यादा दिमाग मैं लगाता नहीं, मैं यहीं पे गाड़ी रोक देता हूँ। अब बंदे वहीं पे घर होल्ड करके बैठे होंगे तो यार पकड़ के घुस के पेलना पड़ेगा, लेकिन दिक्कतें बहुत होंगी, खासकर ये झाड़ियाँ देखो यहाँ पे झाड़ियाँ बहुत हैं। अब ठीक यही सीन हुआ था कुछ दिन पहले, मैं यहाँ पे खड़ा था और झाड़ी में एक बंदा लेटा पड़ा था, इसलिए मैंने सोचा यार पिछली बार की तरह अभी ना ठिल जाऊं, इसलिए मैं झाड़ियों में बेफालतू में गोलियां बर्बाद करता हूँ। लेकिन इस बार यार ढंग से खेल रहे होते हैं ये बंदे, घरों के अंदर बैठे पड़े हैं, झाड़ी में नहीं लेटे हैं। खैर जो भी हो, यहाँ पे मैं ठीपी भी वगैरह लेता हूँ, अपने ऊपर भी बंदे बैठे हैं, अपने आगे भी बंदे बैठे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो अपने ऊपर बंदे बैठे होते वो भी छलांग छुलांग मार के आगे वाले घर पे चले जाते हैं। तो मैं बहुत टीपी पी लेता हूं और आखिरकार एक बंदा दिखता है। और हमारे ये भाई पूरी चौड़ में बगैर किसी के डर के यार पीक पाक करके नेट कर रहे होते हैं। खैर मैं उनकी वहीं पे पेटी बना देता हूं। अब जब मैं हील कर रहा हूं तो यार मैं अपने टीममेट को बोलता हूं, भाई चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए भैया, नोक मत होना, नोक हो गए तो दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी। और हमारे भाई ऊपर जाके सीधा नोक हो जाते हैं और अब दिक्कतें बढ़ेंगी। और यहाँ पे अगर ग्रोजा वगैरह नहीं होती ना भाई तो इन चार बंदों को पेलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती, शायद मैं तभी ढिल जाता जब वो बंदा साइड से कूद के पेलने की कोशिश कर रहा था। खैर जो भी हो, यहाँ पे इस छोटे से सस्ते घर पे, मतलब इस घर पे रहना यार अपनी पेटी को बुलावा देना है। मतलब देखो इतनी खिड़कियां है यहाँ पे यार, मेरी गणित के पारे ही नहीं गिनना, इतनी सारी खिड़कियां इस घर में। खैर जो भी हो, यहाँ पे चार बंदे पेल देता हूँ और धैड़ पैड़ लूट के हम सीधा वहां पे चलते हैं जहां पे बड़े बड़े घर हैं, ये स्कूल के बगल वाली बिल्डिंगों में। और यहाँ पे बंदे दबा के फाइट ले रहे होते हैं, और देखो जब भी यहाँ पे जोन बनता है ना, जब भी यहाँ पे आखिरी का जोन बनता है, फाइटें बहुत लंबी चलती हैं क्योंकि यहाँ पे कौन कौन से कमरे में बैठा होता है किसी को पता नहीं चलता। तो करना क्या है, हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे गोलियां भी पूरी जान से चल रही हैं। अब देखो गोलियां चल रही हैं, फाइट हो रही है यार, बुलावा दे रही है मुझे, लेकिन अगर मैं चला गया ना तो मैं पक्का ठिलूंगा क्योंकि यहां पे मुझे नहीं पता कितने बंदे बैठे पड़े हैं।
और हाँ, मैं वो बुलाती है लेकिन जानेगा नहीं मीम को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता यार ढंग से इस्तेमाल कर पाया मैं उसे। खैर जो भी हो, धीरे धीरे करके मैं इनके बगल वाले घर पे आ जाता हूँ और बस इंतजार कर रहा हूँ। एक बंदा पीक पाक कर दे कहीं से भी, गलती से मैं नॉक कर दूँ एक बंदे को और उसके बाद रस नहीं अंधा रस करेंगे। अब हमारे भाई न जाने क्या सोच के उस छज्जे पे चढ़ रखे थे। अब देखो, मेरे ख्याल से उस छज्जे पे चढ़ना बहुत गलत रहता है। वहां पे आप नोक हो गए तो कहीं पे भी नहीं जा पाओगे, और वहां पे पेटी बनाना बहुत आसान है। लेकिन देखो, हमें उस बंदे की पेटी नहीं बनानी, हमें उसको पकड़ना है जो इसका टीममेट यहीं कहीं बैठा पड़ा है। तो करना क्या है यार, अब सीधा ऊपर पे रस करते हैं। और हमारे ये भाई बिल्कुल तैयार बैठे थे कि हम सीढ़ी से आए और हमारे भाई हमारी पेटी बनाए। तो देखो, उस बंदे पे M4 होती है और मेरे पे ग्रोजा होती है यार, और क्लोज रेंज में ग्रोजा वर्सेस M4, अगर दोनों साथ में गोली चलाते हैं और अगर आपका नेट धोखा नहीं दे रहा है तो चाहे कुछ भी हो जाए, ग्रोजा से यार जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर आप नंगे हो, वेस्ट वुस्ट के नाम पे कद्दू कुछ नहीं है तो शायद आप जीत जाओ। वैसे पबजी एक ऐसा गेम है जिसमें कुछ भी हो जाता है तो कुछ कह भी नहीं सकते। खैर, हमारे बगल वाले बिल्डिंग में एक और टीम बैठी होती है क्योंकि फ्लेयर है बगल पे। अब देखो, झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे बहुत बढ़िया तरीके से पता था कि अगर मैंने उस खिड़की से पीक किया तो सामने वाले घर से कोई ना कोई 100% मारेगा। लेकिन देखो, गाड़ी आ रही थी, गाड़ी जलने वाली थी, बिल्कुल धुआं निकल रहा था, तो यार किल की लालच से रुका नहीं गया बिल्कुल भी। मैंने बोला भले ही नॉक हो जाऊं, पेल के जरूर रहूंगा। तो देखो, नॉक भी हो गया, पेल भी नहीं पाया। लेकिन सही बात यह है कि वो लोग भी नहीं पेल पाए। तो वो जो गाड़ी आई थी, जलती हुई गाड़ी, वो हमारे घर के नीचे बैठी होती है और हम उसे ढूंढने की तैयारी में लग जाते हैं। एक बंदा घर के अंदर घुस चुका है, फुटस्टेप आए थे लेकिन कहाँ पे बैठा है, कहाँ पे लेटा है, किसी को कद्दू भी नहीं पता। तो वही कर रहे हैं यार, कमरा कमरा घुस के देख रहे हैं कहाँ पे बंदा। और हमारे भाई यहाँ बिस्तर को छोड़ के बिस्तर के बगल में जमीन में लेट चुके होते हैं। खैर बढ़िया है यार, अपने को एक किल तो मिली कम से कम। और आगे से ये लोग DP पटका रहे हैं। अब यहाँ पे यार मुझे एक तरीके से अपना बदला लेना होता है। इन लोग ने नोक नोक किया तो यार हम भी नोक करेंगे, हम पेटी भी बनाने की कोशिश करेंगे, बदला लेने की पूरी कोशिश चल रही है। तो देखो, सामने से बंदा पीक करके खड़ा है और मुझे पता है वो नॉक कर सकते हैं, उसके बाद भी मैं पीक करता हूं। और यहां पे अगर आधे सेकंड के लिए भी मेरी गोली इधर उधर गई होती ना, मैं सीधा नॉक होता। और जिस हिसाब से वो लोग खेल रहे हैं, वो लोग सीधा रस करते, और बंदे भी तीन चार बैठे पड़े वहां पे। तो मैं क्या करता हूँ, बंदा दिख ही रहा होता है, बिल्कुल स्कोप बंदे के ऊपर रखता हूँ, स्कोप खोलता हूँ और सीधा सर पे गोलियां पड़ती है। और अगर सर पे गोलियां नहीं लगती ना, 100% गारंटी मैंने ही ढीलना था। और ये जो बगल में बंदे बैठे हैं, इनके अलावा और भी बंदे हैं यहाँ कहीं, तो बाहर पे देखता हूं मैं खिड़की के। और हमारा एक सांप हमारे बिल्कुल घर के नीचे ही लेटा पड़ा होता है। तो देखो, एक सांप की पेटी बना दी, लेकिन भैया नौक हुए थे तो इनके क्या पता बाकी टीममेट भी यहीं कहीं बैठे हों, और यहीं कहीं बैठे होते हैं, लेकिन जो होगा बहुत दुखद होगा। और यार इस मैच में तो पबजी भी नहीं चाहता भाई कि मैं ढंग से किल कर दूं। एक बंदा जिसे नोक किया, उसकी किल सामने वाले बंदे चुरा गए, और दूसरा बंदा जोन से ठिल गया। बहुत ही बढ़िया यार। और
और इन बंदों पे 100% गारंटी। इतने महंगे एयरफोन हैं कि क्या ही बताऊं। मैं यहाँ पे दरवाजे के पास खड़े होकर नेड़ खींचता हूँ, भाई बंदा अंधा रस कर देता है। तो देखो भाई को आवाज़ आ जाती है नेट खुलने की, लेकिन मैं भी ढीठ होता हूँ यार। मैं दबाता हूँ कैंसिल का बटन और गन वाली बटन को मैं 5-6 बार दबाता हूँ, भाई गन बाहर आके नहीं देती। लेकिन आखिरी सेकंड में गन भी निकल जाती है और बंदा पेल भी देता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे वो बंदा जो मेरी किल चुराया था, जिस बंदे ने मुझे पहले नॉक भी किया था, उससे मैं अपना बदला नहीं ले पाया, मेरे टीममेट ने उसे पेल दिया। ये यार मतलब भाई उसने मेरी किले भी चुरा दी, मुझे नोक भी कर दिया, उसके बाद आखिर में मैं उसे ठिला भी नहीं पाया। अब देखो सिर्फ एक ही बंदा बाकी होता है, उसे हम बहुत जगह ढूंढते हैं और देखो कहाँ बैठे होते हैं भाई। बहुत ही खतरनाक, अलग लेवल का सांप है ये भी। और ये भाई वही बंदा होता है जो यार जिसकी वजह से मैं नॉक हो गया था पहले। ये वही गाड़ी वाले बंदे होते। देखो एक बंदा इनका घर के अंदर आ जाता है और बिस्तर को छोड़ के जमीन में लेट जाता है, लेकिन वो नॉक हुआ होता है, उसकी हम पेटी बनाते हैं, लेकिन उसका टीममेट जो कि वही फटी गाड़ी से आया था वो बाहर ही लेटा पड़ा होता है। अब देखो बाहर 3 बंदे और होते उसके अलावा, लेकिन कोई नहीं देख पाता उसे। कैसे देखेगा यार, वो अपने आप को नहीं देख पा रहा होगा उस झाड़ी में। खैर हमारे भाई वहां से लेट के नेट नूट करते हैं और मैं भी नेट करता हूं। और सही बता रहा हूं यार, अगर ये नेट से बंदा नहीं फटता ना, मेरा जिंदगी भर के लिए नेट से विश्वास उठ जाता। लेकिन यार बंदा ठिल गया, बहुत ही बढ़िया। तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते वीडियो पे लाइक ठोकना मत भूलना यार, बिल्कुल ठोका पीट करके नीला टैप कर दो। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो करो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे गलत सीन, ऐसे किल चोरी वाले सीन और ऐसी सस्ती कमेंट्री तुम्हारा भाई करता रहता है, तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के वीडियो में इतना ही भाई लोग यार, जाते जाते उस टूर्नामेंट ऐप को चेकआउट करना मत भूलना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। ट्राई करके देखो यार, टूर्नामेंट खेल के ट्राई करके देखो, क्या पता मजा आ जाए। तो कल मिलते हैं भाई लोग यार। Bye-bye.